नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल आजाद क्लासेस पे। वी आर कंटिन्यूइंग द डिस्कशन ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। और ये वीडियो मेरी चैलेंजिंग वीडियो है। इट्स माय चैलेंजिंग वीडियो दैट एटलीस्ट वन क्वेश्चन विल कम फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल व्यूअर्स टू वॉच दिस वीडियो एंड ऑल्सो टू शेयर दिस वीडियो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके भाइयों को, बहनों को, साथियों को, मित्रों को, दोस्तों को इससे लाभ मिल सके। देखो यार, पढ़ते समय एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। और दो टॉपिक्स मैंने आपको बताने हैं इस चैप्टर में जिससे आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। फर्स्ट इज लैंड रिफॉर्म एंड सेकेंड इज लैंड सीलिंग एक्ट। तो उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल इस वीडियो में। उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक्स एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। इट मे ऑल्सो आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन फॉर 1 मार्क्स। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे रिफॉर्म और किस तरह से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म किया गया। बेसिकली ये वीडियो उसी के बारे में। सो द टॉपिक इज हिट लिस्टेड 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, हिट लिस्टेड या हाईलाइटेड 1 मार्क्स क्वेश्चन है जो आप एग्जामिनेशन में ये भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट्स टाइप। आंसर लिखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम हेडिंग डाल के दैट इट्स अरेंजमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम इज बेसिकली अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कैन बी सॉल्व। टाइप्स 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कैपिटलिज्म, सेकंड इज सोशलिज्म एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी पे मेरी मुस्कुराहट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया है। अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन, रिमेंबर। सेकंड इज प्लानिंग कमीशन के बारे में एंड 5-year plans taken। प्लानिंग कमीशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ईयर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या याद रखना है आपको? प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग 1950 में बनाया गया। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज दैट द चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज ऑलवेज द करंट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। एक बार और आपके लिए रिवाइज करा दूं दैट 1951 में जब प्लानिंग कमीशन फर्स्ट 5-year plan बेसिकली अडॉप्ट हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, तो उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड करंट प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, क्योंकि नाम चेंज हो गया है प्लानिंग कमीशन का, इज नरेंद्र मोदी। 5-year plan हमने लिया क्या से? तो भारत ने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन मिली है। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट को लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड से लिया गया। तो इसी तरह 5-year plan को याद रखिएगा सोवियत यूनियन से हमने लिया है। नेक्स्ट इज डिफाइंड प्लान। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डिफाइंड प्लान इन 1 मार्क्स और या एटलीस्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो डिफाइंड प्लान में आपको लिखना है कि प्लान इज अ डॉक्यूमेंट which shows the detailed scheme, program and strategy that will work in advance to fulfill an objective. Next is perspective planning. क्या होती है? Very very important question. Perspective planning, objective which has to attain over a long period, that is over a 20 years of time, that is called perspective planning. मतलब कि एक तो 5-year plan है, 5 साल हम प्लानिंग करते हैं और तरह तरह की चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव जो भी है। और पर्सपेक्टिव प्लानिंग में क्या है कि 20 इयर्स, ठीक ना, 20 साल में जो भी हम एक गोल अचीव कर रहे हैं उसको हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहते हैं यार। नेक्स्ट इज गोल्स ऑफ 5-year plan। 4 गोल्स मैंने आपको याद कराए थे। फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड इज सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ इज इक्विटी यानी बराबरी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल, पूछ सकता है। प्लान्स के गोल क्यों होते हैं? तो यार देखो, जैसे यू नो स्टूडेंट बिना किताब और बिना पढ़ाई के अधूरा सा लगता है, इसी तरह जो है कि प्लान्स बिना गोल्स के कुछ नहीं है कि नहीं। जैसे हमारे आपके रियल लाइफ में भी कुछ ना कुछ गोल हैं, ठीक ना। आपका गोल होगा, निश्चित होगा, अगर आप बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका गोल होगा आई शुड क्रैक CA, आई शुड गो फॉर द UPSC और आई शुड हैव द मनी मेकिंग कंसेप्ट। तो उसी तरह से जितने भी प्लान्स हैं इनका कुछ ना कुछ गोल होता है कि नहीं। जैसे एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, पॉवर्टी हटाने के लिए, ह्यूमन कैपिटल के लिए। तो प्लान्स का महत्व तभी है जब वो गोल को लेके चले, ठीक है। तो विदाउट गोल प्लान कैनॉट बी डिटरमाइंड। प्लानिंग इज ऑल अबाउट अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल। चलो तो इसको आप नोट्स बनाओ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू give you a challenging one question in your board examination from land reform or land ceiling act. Notes banaiye, main abhi wapas aata hu. To chalo yaar, ek baar last part discuss karenge hum agriculture pe. In first chapter we have studied that more than 80 or 85% of the people were engaged in agriculture. Clear hai? Second thing, that agriculture remained backward or stagnant during the colonial rule. मतलब यार
आज़ादी के पहले से लेकर 1950 तक एग्रीकल्चर बैकवर्ड रही, एंड थर्ड वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो ये कुछ तीन रीजन्स रहे। अब हम इंडिपेंडेंट हैं, प्लानिंग कमीशन 1950 अभी मैंने बताया, और फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, ध्यान से सुनना है, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। एंड द मोटो और द गोल ऑफ फर्स्ट फाइव ईयर प्लान टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो पहला फाइव ईयर प्लान भारत में, पहली जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ये 1951 से 56 तक चली, और जिसका टारगेट था आपका एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करना, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करना। चलो, तो एनसीईआरटी के हिसाब से पहले तो इसके कुछ फीचर्स हैं, वो डील करते हैं यार। फीचर्स क्या थे इनके, कि लो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर में। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी, क्या रीजन क्या रहा, फर्स्ट नाइदर एनी सिंसियर अटेम्प्ट वॉज मेड बाय द जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड नॉर एनी टेक्निकल एक्टिविटीज और टेक्निकल मॉडर्न टेक्निक्स वी हैव अडॉप्टेड। सेकंड इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना और नोट्स बना लेना। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग मोर देन रिक्वायर्ड। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं, यानी जरूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड है, इसमें 5 वर्कर्स की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअली वर्कर कितने काम कर रहे हैं, 10 वर्कर काम कर रहे हैं। रीज़न क्या है यार, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हमारा सेकेंडरी सेक्टर, हमारा टर्शियरी सेक्टर इतना डेवलप नहीं किया था। तो ये जो एडिशनल 5 लोग हैं ना, दिस एडिशनल 5 पीपल्स आर यू नो दे आर इन द सिचुएशन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये अतिरिक्त जो 5 लोग हैं, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन से जूझ रहे हैं। थर्ड इज हैवी डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। रेनफॉल पे हम डिपेंडेंट थे, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंडेंट थे, कि मानसून आएगी, वर्षा आएगी तो ही हमारी एग्रीकल्चर अच्छी होगी। फोर्थ इज, अभी मैंने बताया, कोई लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं। एंड फिफ्थ वॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टीनेंट्स और द एक्चुअल टीनेंट्स एंड द ओनर ऑफ द सॉयल। चलो, तो ये कुछ रीजन्स थे हमारे जो एनसीईआरटी के हिसाब से एग्रीकल्चर के पहले दिया हुआ है पॉइंट, जिसको मैंने डिस्कस किया। जो अभी मैंने बताया, आप इसे फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में डील कर सकते हो। चलो, लंबी सांस मैंने इसलिए ली क्योंकि अब हम आज़ाद हैं। 1950 से 56 तक मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान चली, और इस फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का टारगेट था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना। अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये मेरी चैलेंजिंग वीडियो इसलिए है कि यहाँ से अब मैं जो बोलने वाला हूँ, वहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। चलो, मेजर्स टू एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। हम एग्रीकल्चर में किस तरह का सुधार लाएं, तो दो तरीके से हमने सुधार लाया। फर्स्ट वॉज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड सेकेंड वॉज टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। दो तरीके से हमने रिफॉर्म लाए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब ये है कि एक फॉर्मल तरीके से, एक नियम कानून से, उसके सहायता से हम एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाए, बदलाव लाए, चेंज लाए, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म का मतलब ये है कि हम टेक्निक से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, या इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाएं जिससे हमारा प्रोडक्शन, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी से हाई प्रोडक्टिविटी पे हम आए। क्या क्या पढ़ने हैं एक बार और रिवाइज करिएगा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में 3 चीज़ें, फर्स्ट इज लैंड रिफॉर्म, सेकंड इज लैंड सेलिंग एक्ट, एंड थर्ड इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकंड इज प्रोविजन फॉर क्रेडिट, एंड थर्ड इज एडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, और सेकंड वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा ग्रीन रेवोल्यूशन और बाकी सारी चीज़ें। तो चलो यार, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म क्या था? लैंड रिफॉर्म बेसिकली, आप याद रखिएगा, इसमें दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट दैट लैंड रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म टॉक्स अबाउट द चेंज इन द टाइटल ऑफ ओनरशिप दैट द टीलर ऑफ द सॉइल वर मेड एक्चुअली ओनर ऑफ द सॉइल। एक बार फिर आपको याद दिला दें, टीलर ऑफ द सॉइल हम उन गरीब किसानों को कहते थे, उन मजदूर को कहते थे जो खेतों में काम कर रहे थे। क्लियर है? पहले की वीडियोस मैंने बनाई है, आप जरूर जाइएगा, ठीक है। एंड सेकंड इज ओनर ऑफ द सॉइल। ओनर ऑफ द सॉइल कहा जाता था भाई जमींदार को, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या कि 1951 में, अब चूंकि हम अपने नियम कानून बना सकते थे, इस नियम के तहत हमने लैंड रिफॉर्म लागू किया। लैंड रिफॉर्म ये बताती है कि जितने भी गरीब किसान या जो यू नो लेबर क्लास के लोग थे, जो जमीन पे बहुत समय तक काम कर रहे थे, उनको उनकी जमीन का टाइटल दे देना, मतलब उनको उनके नाम से कागज पत्तर सारी चीजें देना, ठीक है, और उन्हें टीलर ऑफ द सॉइल को एक्चुअल ओनर ऑफ द सॉइल बना देना। देखो यार, ये क्यों किया गया, इसको मैं आपके लेवल पे एक उदाहरण देता हूं।
मान लो कि अभी वाइवा का सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, अगर आप अपनी फाइल यूज बनाते हो, जानते हो क्या करोगे, बढ़िया से जेल पेन, बॉल पेन, स्केच, ग्लिटर पेन और ऊपर से किरकिरी वगैरह सब कुछ लगाओगे, है कि नहीं। लेकिन अगर यही अपने किसी, कोई बहुत खास नहीं है, कोई ठीक ठाक कोई क्लासमेट है या कोई ऐसा बंदा है जिसकी आप फाइल बना रहे हो, तो आप करोगे लेकिन वो डेडिकेशन नहीं रहेगा क्योंकि वो दूसरे पर्सन की फाइल है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है ये। चलो इसी तरह से यहाँ पे भारत सरकार जानती थी कि अभी तक खेती तो हो रही थी लेकिन उसका लाभ किसको मिल रहा था, जमींदार्स को और कॉलोनियल गवर्नमेंट को। हम इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, जमींदार्स को हटाएंगे और जो मजदूर जो किसान अब तक वास्तव में जमीन पे काम कर रहे थे उनको उनका ओनरशिप देंगे। अगर वो जमीन उनके नाम से रहेगी तो दे विल हैव अ मोर डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्किंग, है कि नहीं। दे विल हैव अ मोर कंसंट्रेशन एंड दे विल इंप्रूव देमसेल्फ टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स एंड विच विल लेड टू द हाई प्रोडक्टिविटी। तो लैंड रिफॉर्म, पहली चीज याद रखिएगा कि ओनरशिप यहां पे बदल गई थी कि जो फार्मर्स थे, जो टेलर थे, जो मजदूर थे, उनको उनके नाम से जमीन मिल गई थी। सेकंड वाज एबोलिशन ऑफ जमींदार, जमींदार्स को हटा दिया गया था, जमींदारी सिस्टम फर्स्ट फाइव ईयर प्लान से हमेशा हमेशा के लिए भारत से हट गई थी। पहले सिचुएशन क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार्स और टेलर ऑफ द सॉइल, ये तीन तरह की सिचुएशन थी, है कि नहीं। जैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जमींदार्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट को होता था और बेचारे हमारे मजदूर लोग, यार हम आप जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग, लोअर क्लास लोग, टेलर ऑफ द सॉल की तरह खेती करते थे, ठीक है। तो जिसमें बहुत फायदा नहीं होता था, ठीक ना, इकोनॉमी को फायदा नहीं होता था, ब्रिटिशर्स और जमींदार्स को तो फायदा होता था। भारत सरकार ने क्या किया, जमींदार्स को ही साफ कर दिया, हटाओ, जमींदार्स को ही साफ किया और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट की जगह इंडियन गवर्नमेंट, है कि नहीं, भारत का झंडा लगा। एंड नाउ देयर वॉज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द जमींदार एंड सॉरी द फार्मर्स, फिर से जमींदार याद आ जा रहा है, चलो यार क्या बोल रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट और फार्मर, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आया। डायरेक्ट रिलेशन आने से होगा क्या, पहले तो आपको मैंने बताया कि ओनरशिप चेंज कर दिया गया, ओनरशिप चेंज करने से फार्मर्स बहुत लगन से काम करेंगे। दूसरी चीज़ें कि अगर सरकार को कोई सब्सिडी देना हो तो वो डायरेक्टली दे सकती है, किसानों को अगर अपने क्रॉप्स को सेल करना हो, अगर उन्हें मार्केट में उचित दाम नहीं मिल रहे हैं तो दे विल डायरेक्टली सेल देयर क्रॉप्स टू द इंडियन गवर्नमेंट, ओके। ये सारी चीजें, डायरेक्ट रिलेशन हो गया इंडियन गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में। एंड एनसीईआरटी बताती है कि मोर देन 200 लाख टीनेंट्स, 200 लाख किसानों या उससे ज्यादा किसानों का रिलेशन डायरेक्ट हो गया इंडियन गवर्नमेंट से, यानी अब डायरेक्टली इन दोनों के बीच में संपर्क हुआ। जमींदार्स वर एबॉलिश, किसी तरह का कोई इतना ज्यादा हैवी टैक्स फार्मर्स को नहीं देना था। लैंड रिफॉर्म, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट विल आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, आइदर लैंड रिफॉर्म और आइदर लैंड सीलिंग एक्ट। फिर से, लैंड रिफॉर्म रेफर्स टू अ सिचुएशन वेर देर वॉज अ चेंज इन द टाइटल ऑफ ओनरशिप, द टिलर ऑफ द सॉइल वर मेड एक्चुअली ओनर ऑफ द सॉइल सो दैट देर शुड बी अ हाई प्रोडक्टिविटी, पहली चीज। दूसरी चीज, दैट इंडियन गवर्नमेंट और फार्मर्स वेर हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिकॉज द जमींदार्स वेर एबॉलिश्ड, ऑलराइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले तो डेफिनेशन सुनिए। लैंड सीलिंग एक्ट रेफर्स टू अ फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम स्पेसिफाइड ऑफ लैंड दैट अ इंडिविजुअल कैन होल्ड एंड इफ एनी सरप्लस लैंड रिमेन्स आइदर इट विल बी बिलोंग टू द विलेज पंचायत ऑफ दैट लिविंग पर्सन और इट विल बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट विल बी रीएलोकेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लैंडलेस फार्मर्स। क्या मैंने बताया, लैंड सीलिंग एक्ट, पहली बात तो लैंड सीलिंग एक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, ठीक ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमने आयरलैंड से ली थी वहां पे लैंड सीलिंग एक्ट है। और लैंड सीलिंग एक्ट ये बताती है कि किसी इंडिविजुअल के नाम से एक मैक्सिमम स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लैंड होगा, उससे ज्यादा अगर लैंड उस पर्सन के पास पाया जाता है तो वो जमीन या तो उस रह रहे आदमी के विलेज पंचायत ले लेगा या तो स्टेट गवर्नमेंट पे हक है कि उसकी सरप्लस लैंड को ले लिया जाएगा और उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो लैंडलेस फार्मर्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, लैंड रिफॉर्म, लैंड सीलिंग। हालांकि लैंड रिफॉर्म में भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली क्योंकि जमींदार उतने आसानी से इन सारी चीज़ों को माने नहीं, अपने रिलेटिव्स के नाम से वो यू नो खेत वगैरह करते गए, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। लैंड सीलिंग का भी बहुत बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन याद रखिएगा दो स्टेट लैंड सीलिंग एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से लागू किए थे, फर्स्ट इज केरल एंड सेकेंड इज वेस्ट बंगाल। तो लैंड सीलिंग एक्ट में हमने क्या पढ़ा कि एक मैक्सिमम स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लैंड है जो एक आदमी के नाम से फिक्स होगा, उससे ज्यादा अगर लैंड पाया जाता है तो उसको लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा।
चलो दो स्टेट्स जो लैंड सीलिंग एक्ट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है, फर्स्ट वन इज केरल, सेकंड वन इज वेस्ट बंगाल। आगे एक चीज और याद रखिएगा लैंड सीलिंग एक्ट में कि ऑब्जेक्टिव पूछता है तो क्या लिखेंगे, तो दो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, फर्स्ट टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड अमंग फ्यू हैंड्स, यानी कि जो लोग कुछ लोग थे जमींदार थे या बिग टीनेंट्स थे उनके पास जमीन ज्यादा थी, तो उन सारी चीजों उन जमीन का रिडक्शन करना और उसको उन लोगों में बंटवाना जिसके पास जमीन नहीं थी। सेकंड इज टू क्रिएट इक्विटी और इक्वालिटी इन द नेशन, इकोनॉमी में इक्विटी या इक्वालिटी लाने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट बनाया गया। तो लैंड रिफॉर्म लैंड सीलिंग मैंने आपको बताया है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई रिक्वेस्ट यू टू मेक नोट्स फ्रॉम दीज टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। थर्ड इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जिसे हिंदी में हम चकबंदी कहते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग क्या था, जैसे मान लो यार मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और उत्तर प्रदेश में ही मान लीजिए कि मेरी बहुत जगह जमीन है कि नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ बागी बलिया वहाँ भी मेरी जमीन है, बनारस जमीन है, इलाहाबाद जमीन है, कानपुर जमीन है, मान लो है नहीं लेकिन मान लो अगर हर जगह जमीन है तो मैं कहाँ कहाँ खेती करने जाऊँगा। अब मैं ट्रेन तो पकड़ के यार कानपुर और बनारस और लखनऊ तो खेती करने जाऊँगा नहीं, तो गवर्नमेंट वॉन्ट्स डैट माई होल लैंड शुड बी सिचुएटेड एट अ वन पर्टिकुलर प्लेस, मेरे जितनी भी जमीन है लखनऊ है आजमगढ़ है जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको मैं एक जगह स्थापित करूं और एक जगह अगर मैं जमीन इकट्ठा कर दे रहा हूं तो वहां पे मैं अच्छे तरीके से इरिगेशन कर सकता हूं और टेक्नोलॉजी लगा के वहां मैं अच्छा तरीके से प्रोडक्शन कर सकता हूं। तो लैंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब यह था चकबंदी, यानी कि अलग अलग लोग की जो, हालांकि मैंने तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस का एग्जांपल दिया है समझाने के लिए है कि नहीं, छोटे डिस्टेंस में अगर कहीं कहीं जमीन पड़ी रहती है तो उसको एक जगह से गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी और एक जगह इकट्ठा करने के बाद उस पर जो एग्रीकल्चर होगा वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको देगा है कि नहीं। तो ये सारी तीन चीजें हैं जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में किया गया। नेक्स्ट वे विल डिस्कस अबाउट द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड प्रोविजन ऑफ क्रेडिट एटसेट्रा। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू दैट मेक नोट्स ऑल राइट एंड ऑल्सो वॉच माय सेशंस, वॉच माय वीडियोस एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट यू कैन हैव द अपडेट्स। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।